चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? तो आज हम चिकन में अंगारा लगाने वाले क्या? चिकन अंगारा। तो गाइस आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन अंगारा। ये बोलते ना बहुत ही पुराने जमाने की डिश है, चिकन अंगारा बनाया जाए, चिकन अफगानी, दीवाने हंडी, तो ये सब नाम रहते थे सालन के, अभी भी है बट बहुत ही कम लोगों को शायद पता होगा, जैसे मुझे खुद नहीं पता था। तो आज हमी बनाने वाले चिकन अंगारा, देखेंगे ये सालन कैसा होगा और इसकी रेसिपी। चलिए नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि अम्मी क्या क्या यूज करेंगे। चलो तो सबसे पहले लगेगा हमको चिकन, एक वाटी प्याज, दो वाटी तलेली प्याज, एक चम्मच कसूरी मेथी, एक चम्मच अदरक लहसुन, दही, गरम मसाला, चाट मसाला, कोथमीर, बटर, एक आलू, टमाटर। ये है खड़े गरम मसाले और ये हमारे हल्दी मिर्ची धनिया। तो चलो करते हैं बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम चिकन को मसाला लगा लेंगे सब। तो ये आधा किलो चिकन है, ठीक है। अब मैं ये हड्डी के साथ ली हूँ, आपको अगर ऐसा लेना है बिना हड्डी का तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं डालूंगी इसमें ये अदरक लहसुन एक चम्मच भर के, ठीक है। और ये दही है 150 ग्राम, ठीक है। ये कसूरी मेथी है एक चम्मच, चाट मसाला है एक चम्मच, अभी डालूंगी मैं आधा चम्मच, आधा रहने दूंगी। गरम मसाला है ये मेरे घर का पिसा हुआ, इसको भी मैं डालूंगी आधा चम्मच, ये थोड़ा सा ऊपर डालेंगे हम बाद में, ठीक है। ये डालेंगे हम 1.5 चम्मच धनिए की बुक्की, 1 चम्मच मिर्ची की बुक्की, आधी चम्मच हल्दी की बुक्की और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, ठीक है। और 1 चम्मच भर के जीरे की बुक्की। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिला लेंगे। नमक डाल देते पहले 1 चम्मच, मैं थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मेरे चिकन में ऑलरेडी से नमक लगा हुआ था, तो अभी हम इसको पहले ज़रा मिला लेते हैं। तो देखो मैंने चिकन को मसाला लगा दिया अच्छे से, अब हम इसको करेंगे एक साइड में रख देंगे, ठीक है। अब ये रख दिए हमने एक साइड में, अब हम गैस चालू कर देंगे और हमारी कढ़ाई चढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसमें तेल डाल देंगे। तो चलो मेरा तेल हो गया गरम और ये 100 ग्राम तेल है, ठीक है। अब हम तड़के के लिए लेंगे गरम मसाला, मैं थोड़ा कम ही डालूंगी क्योंकि मैं गरम मसाले की बुक्की डाल रही हूँ अच्छी। तो ये देखो 7 से 8 काली मिरी है, 1 फूल डाली हूँ मैंने और इलायची भी 1 ही डालूंगी, 2 लौंग डालूंगी, 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी और ये 3-4 छोटे छोटे तेज पत्ते डालूंगी और ये शाहजीरा, ठीक है ना। हम गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे, इसके लिए थोड़ा कम ही गरम मसाला डालेंगे। अब ये 2 प्याज है बारीक कटे हुए, ये ऑमलेट कट कर दी मैंने। अब इसको हल्का गुलाबी करना है, ज़्यादा नहीं। तो देखो मैंने 2 मिनट तक अच्छा लाल कर ली इसको, मेरी प्याज एकदम बारीक कटी हुई है ना, तो फटाफट लाल हो गई। तो अभी हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह ये डाल देंगे इसमें चिकन जो हमने मसाला लगा के रखे थे, और हम एक एक गोटी नहीं डालते रखेंगे अभी बाबा, ये पूरा डाल देंगे एक साथ, ठीक है। हाँ, और मैंने इसका कोई मसाला अलग से नहीं पीसी। अच्छा धनिया भी मेरे पास पिसा हुआ है, भुना हुआ, लाल मिर्ची भी मेरी अच्छी है बुक्की, घर की पीसी भी है, और जीरा बुक्की भी मेरी घर की पीसी भी है। तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं पीसी, और होममेड तो आपको बता चुकी हूँ, है ना, गरम मसाला तो मेरा ऑलरेडी पीसा हुआ है सब। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को सब एक साथ डाल के बताया।
आप इसी तरह से बनाना, बहुत मस्त बनती है ये हंडी। बहुत आलू कितना ले रहे? एक ही आलू ली, वो भी आपको लेना है लो, नहीं तो वो साइड में रखो। ये मेरे घर में एक बच्चा बहुत लाडला है जिसको आलू लगता ही लगता है, तो मुझे चिकन अंगारा में कोई आलू नहीं जाता है, लेकिन मुझे हर डिश में आलू घुसाना पड़ता है। तो अभी मैं इसको कुछ भूनूंगी नहीं, इसको बस इसी तरह से धीमी आंच पे रखूंगी ढक के। ये 3 मीडियम साइज टमाटे हैं जिसको मैंने पीसी नहीं हूँ, एकदम बारीक कतर ली हूँ कचुम्बर की तरह। तो मैं इसको डाल दूंगी, और इसी के पानी से अब ये भुना भी जाएगा और ये चिकन भी गलेगा। तो अभी मैं इसको ढक के 5 मिनट तक स्लो आंच पे पकाऊंगी। तो देखो 5 से 6 मिनट तक पक गया है। हाँ, भाई ने भी अपना पानी छोड़ दिया, टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया, सब है ना। देखो टमाटर भी सॉफ्ट हो गए अंदर, मैंने कोई पीस के नहीं डाली टमाटर, मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ चिकन अंगारा। आप लोग मेरे तरीके से भी बनाना, आप लोग अपने तरीके से बनाते होंगे, लेकिन ये मेरा तरीका है, ये भी ट्राई करके देखना। और अब ये बने तक मैंने जो 3 प्याज बड़े बड़े तल के रखी थी वो भी मैंने इसको हल्का दरदरा कर ली, ठीक है। तो मैं ये इसमें डाल दूंगी। ये भी इसमें डाल के जरा सा 1 मिनट भून लूंगी। तो देखो तली भी प्याज डाल के मैंने थोड़ा सा भून ली इसको अच्छे से 2 मिनट। अब क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमने एक आलू डाले हैं ना, तो बस वो एक आलू के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और जरा हमारा चिकन एकदम सॉफ्ट हो जाए, बस उसके लिए इतना पानी डाल देंगे। और इसको अभी 5 मिनट थोड़ा ढक के बना देंगे, थोड़ा सा इसमें कोथमीर अभी डाल देंगे, इसका फ्लेवर इसमें अंदर आ जाए कोथमीर का, बाद में ऊपर से अलग डालेंगे। और हाँ, पुदीना नहीं मिला मुझे, इसमें पुदीना भी पड़ता है, और छोटी इलायची नहीं मिली मुझे, हरी इलायची भी पड़ती है, ठीक है। लेकिन हरी इलायची तो मेरे होममेड गरम मसाले में थी, कोई बात नहीं। तो अभी इसको हम ज़रा 5 मिनट आलू गले तक और चिकन गले तक धीमी आँच पर पकाएंगे। तो चलो देखते हैं अभी हमारा। वाओ, देखिए चिकन अंगारा हमारा तैयार है ना, इसे धीमी आंच पे बना देंगे, गाढ़ा गाढ़ा मसाला। अब क्या करेंगे हम, अभी हमने जो चाट मसाला थोड़ा सा रखे थे ना, बस ये ऊपर से डाल देंगे, ये खुशबू के लिए थोड़ा सा ही गरम मसाला बचाए थे, ये थोड़ा सा डाल देंगे और डालेंगे ये हमारी कोथमीर। और इसको अभी थोड़ा गैस बंद करेंगे और इसके बीच में एक रख देंगे हम वाटी, ये वाटी रखेंगे। और अभी हम मेन काम करने का बाकी है, तो अभी ज़रा हमारे पास एक गैस है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम नीचे उतारते हैं। जब तक हम क्या करेंगे, हमारा ये कोयला रख देंगे इस पे और गैस चालू कर देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जलने देते कोयले को। तो देखो मेरा कोयला जल गया है, अब मैं गैस बंद कर दूंगी, कोयले में अच्छी खासी आंच पकड़ लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसमें रख देंगे आराम से, कोयले को रख देंगे इधर, और ये एक लौंग का टुकड़ा डालेंगे बीच में, और थोड़ा सा ये मस्का डाल देंगे इसमें, और इसको अच्छे से ढक के रख देंगे। तो चलो अभी हमारा पूरा स्मोक खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसको आराम से निकाल देंगे बाहर। तो ये बन गया मेरा चिकन अंगारा हंडी रेडी। ये देखो चिकन अंगारा रेडी हो गया है। आज तो हम लोग ने आग लगा दिया, आग आग आग।
देखे ना कोयला वोयला ये सब तो बड़ी डिशों में किया जाता है भाई, कोयला वोयला डालो। उनको तो लगा मैं अभी सालन में भी मिलाने वाले लेकिन नहीं, मजाक कर रहा हूँ, वो एक स्मोक फ्लेवर आता है वो करने से, तो इसीलिए वो किया जाता है, थोड़े नखरे बोलते। चलो भाई दिख रहा तो एकदम बढ़िया है, लाजवाब लजीज, आधे से ज्यादा लोगों के मुँह में पानी ऐसा आ गया रहेगा मुझे पता है, बट जो पानी आया है उसको ऐसा विप करके निकल लो क्योंकि हम लोग और थोड़ा पानी लाने वाले हैं। एक नंबर बोलते ना लजीज बनाए ले, बहुत दिख रहा है मेरे मुंह में आ रहा है। लाओ 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 लाओ। चलो तो अभी टेस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चलो ये देखो भाभी के हाथ की रोटी एकदम परफेक्ट। चलो ग्राइंडर लेके देना भाभी के हाथ का। आओ आओ बिस्मिल्लाह करते। और हाँ ऐसा जो जिसके पास नहीं हो सके ये स्मोक स्मोक करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बहुत से लोग बना भी सकते। बोटी देखो क्या गली हुई है, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिना स्मोक करे भी बहुत से लोग बना सकते, खा सकते, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम मस्त बोटी गली हुई। तो पहले आइए बोटी लेते हैं, हमने बोटी ली है, थोड़ा मसाला ले लिया है। खा 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 तू खा तू खा तू खा ले जल्दी। हां अम्मी के आते बहुत निवाले खाए हो, मैं अभी तो मौका मिल रहा है मुझे अम्मी को खिलाने का, अलग बात है अम्मी से बनाते। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अभी यहाँ देखने का मेरे को। आओ भाई आओ, ये मैंने लिया भर के मसाला और बोटी के साथ। वाओ वाओ वाओ। और ये डिश है ना महीने में 3-4 बार मेरे घर में बनती रहती है। हाँ तंदूरी रोटी उसके साथ ये डिश एक नंबर लगेगी। फिर या तो फिर आप मस्त तेल के गरम गरम पराठे मोटे वाले उसके साथ अच्छी लगेगी, या तो जो राइस खाता हो सबसे बेस्ट जीरा राइस जो कि जिसमें थोड़ा सी हम तेल डाल के बनाते हैं मस्त लंबे लंबे चावल, उसके साथ ये सालन की डिश एक नंबर लगेगी। रेसिपी ना बहुत ईजी है। अभी ये तो मैंने काज के कटोरे में पूरा मसाले वसाला मिला के आप लोगों को बताई, नहीं तो मैं घर में क्या करती हूँ, कोई कटोरा वटोरा नहीं रहता है, जो कढ़ाई में चढ़ाना है ना मुझे, मैं वही कढ़ाई में सब चढ़ा के सब मिक्स करके टमाटर प्याज सब डाल के मस्त बारीक 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 टमाटर पर छोड़ दिया। टमाटर के पानी में, दही के पानी में, चिकन के पानी में ही चिकन भी गल जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है, फिर पूरा मसाला अच्छा भून के मैं कर लेती हूँ। ये आप लोगों को बताना था बल्कि मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ा। और ज्यादातर हम लोग ये सालन ना हम हर बार ये सालन बनाते हैं राइस जो मैं बोला ना जीरा राइस, हम सब बहुत शौक से खाते हैं भाई, अब्बा सब सब बहुत ही मस्त बन रहा है सालन। अगर आप लोगों को कभी अर्जेंट है या बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज क्या बनेगा, कम टाइम बचा हुआ है, ये कम टाइम वाली रेसिपी है जिसके पास कम टाइम है, जैसा बहुत से लोग जॉब से आते हैं, बहुत से लोग के मेहमान अभी एक घंटा बचा है आने के लिए, तो क्या करें, तो बस ये झटपट वाली रेसिपी के साथ दूसरे काम भी होते रहेंगे आपके, ये पूरा मिक्स करके आप कढ़ाई में चढ़ा दो, ये शॉर्ट टाइम में डिश बन सकती है, ये कम टाइम आपका लेती है। इन शॉर्ट हम ये बोले मतलब एकदम झटपट वाली रेसिपी है, बहुत फटाफट बन जाती है। इसी तरीके से मेरी दीवानी हंडी भी झटपट बनती है, मैंने वो भी शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ। दीवानी हंडी भी वो भी बहुत भी मटन का आइटम है, मटन झटपट बनता है यार। ये सब डिश ना शाही डिशों में से एक है, ये सब बड़ी बड़ी डिश कहा जाता है। मटन की भी लिंक दे दे जो बच्चे नहीं देखे होंगे, झटपट वाली मटन एकदम मस्त। कौन सा वाला? दीवानी हंडी। अच्छा हाँ दीवानी हंडी भी हमने बनाया है। तो यार अभी बकरों के गोश्त काफी आएंगे आप लोगों के घर पे कुर्बानी के, तो यार हमारी बहुत सी रेसिपी ऐसी है जो आप देख के बना सकते हो। हाँ एकदम झटपट, वो भी जिस तरह भी चिकन मैंने झटपट बनाई ना उस तरह मटन का झटपट वाला मसाला है वो, दीवानी हंडी बोल के मैंने डाली हूँ, आप लोग देख लेना। तो देखो गाइस रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए और शेयर भी करिए। आप लोग की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। रिलेटिव फैमिली में जो भी नहीं क्या फैमिली ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे, तो आप इजीली आप ये सब शेयर कर सकते हो कि भाई अभी इस साल बकराईद की मतलब बकराईद आने के बाद जो भी कुर्बानी है घर पे आएंगे तो ये सब रेसिपी ट्राई करो यार, है कि नहीं। और मेरे को सबसे पहले ये डिश कौन बना के फोटो शेयर करता है मेरे। हाँ ये मटन की नहीं चिकन की है, चिकन की बना। सबसे पहला जिसका डिश आएगा वो मेरे से कॉल पे बात कर सकता है। वाह बम्पर ऑफर। अगर आपको किसी से बात करना है तो यार वैसे तो
कर सकते हैं बात, बट आपको इंस्टाग्राम डाउनलोड करना होगा अगर जिसके पास इंस्टाग्राम है, अच्छी बात है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करिए हाय या जो भी है रेसिपी बना रहे हो तो उसकी फोटो भी मुझे सेंड कर सकते हो, मैं अम्मी को दिखाता हूँ। टाइमिंग ले लेना, अब बात करना। हाँ, ये बात है कि मैं जगह पे बात नहीं करा सकता क्योंकि अम्मी भी बिजी रहते हैं, तो हम जब ऊपर आते हैं शूट करने के लिए वो टाइम पे ही अम्मी सबसे बात करते हैं और वो हम लोग का टाइम फिक्स नहीं होता। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि मुझे अम्मी से बात करना है, तो मैं आपको टाइम बता दूंगा कि अम्मी ये टाइम पे फ्री रहते हैं तो वो टाइम पे आप बात कर सकते हो। तो चलिए फिर, अभी बहुत बात हो गई, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह बच्चों को मेरी तरफ से चलो।